सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीट का जनवरी वायदा 5942 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 5946 का हाई लगा चुका है। देख रहे हैं कि कैसे सीट का जनवरी वायदा 5900 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है, पिछले 3-4 दिनों से 5900 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। तो अब यहाँ से बेस मेटल कैसे सीड में आगे तेजी का रुझान रहेगा, क्या यहाँ पे कैसे सीड एक बार फिर से 6000 या 6000 के ऊपर जाता नजर आएगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि कैसे सीड का जनवरी वायदा 5900 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, आपको क्या लग रहा है क्या कैसे सीड एक बार फिर से तेजी की ओर जाता नजर आएगा? देखिए कैसे तीन में अभी थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से बाइंग इनिशिएट हुई है निचले स्तरों पर, अभी ऐसे लग रहा है कि एक बार मार्केट जो है 6000 के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो 6200 तक एक अपसाइड में जा सकता है। लेकिन फिलहाल 6000 का स्तर आज एक्सपेक्टेड है कि बाजारों में जो रेंज है वो 5960 से लेकर नीचे में 5880 तक के बीच में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड अब यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि कैस्टर सीट जल्द ही 6000 के ऊपर निकल सकती है और उसके बाद 6200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि जो कैसे सीट 5800 यानी 5800 पर स्टक होकर चल रहा था, अब उसकी कैसे सीट के अंदर आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देख रहे 3138 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, मामूली सी करेक्शन है। रूपा जी कल को हमने फरवरी वायदा की बात करूं अगर, तो फरवरी वायदा में बिनौला खल में हमने 3200 का लेवल अचीव होते हुए देख लिया था, हालांकि जनवरी वायदा 3198 पर ही देखने को मिला था। बिनौला खल में कुछ ज्यादा खास बढ़त देखने बिनौला खल की कीमतों में अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, 3198 का भी हाई लगा था, लेकिन 3200 का लेवल सिर्फ 2 पॉइंट से चूक गया था जनवरी वायदा में, लेकिन फरवरी वायदा में वो टारगेट अचीव हो गया था। आपको क्या लग रहा है क्या यहाँ से जो हल्की सी करेक्शन आज हम देख रहे हैं मामूली सी, क्या ये थोड़ी गहराएगी या फिर यहाँ से सपोर्ट मिलेगा? देखिए अभी थोड़ा सा करेक्शन ऊपरी स्तरों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मैंने पहले भी बताया था कि 3200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी लंबी तेजी और बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन इन्हीं स्तरों पर फिलहाल करेक्शन भी एक ड्यू है कि करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। अब ये करेक्शन हो सकता है कि नीचे में 3120 से लेकर 3080 तक हमें देखने को मिले। ओवरऑल ट्रेंड देखिए पॉजिटिव है अभी भी मार्केट में और मुझे लगता है कि अब यहाँ से 3200 के ऊपर अगर एक बार निकलता है मार्केट तो आने वाले दिनों में 3400 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल बिनौला खल में आज इंट्राडे में हल्की करेक्शन देखने को मिल सकती है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर धनिया की, तो धनिया का जनवरी वायदा देख रहे हैं कि 9050 के पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि मसालों में एक बार फिर से तेजी लौटी है, धनिया जो 8400 पर स्टक हो गया था अब वो एकदम से 600 पॉइंट की तेजी के साथ, 600 पॉइंट के उछाल के साथ 9000 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी हम पहले से ही देख चुके हैं कि धनी की पाइपलाइन खाली है, बुआई में कमी है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कम बताया जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है जिस हिसाब से धनी में अचानक से तेजी देखने को मिली है, तो क्या आगे धनी में और तेजी मुमकिन है, क्या धनी में आगे और तेजी देखने को मिल सकती है? के ऊपर मार्केट देखने को मिल रहा है, अभी मुझे लगता है कि यहां से तेजी है वो 200 अगर हो जाता है मार्केट तो ऊपर जी बन सकता, फंडामेंटल सपोर्टिव है। अब यहाँ से मसालों की मांग पिकअप दे रही है, आगे तय कि सभी मसालों में एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है और फिलहाल में अगर बात करें तो टारगेट अगर 900 की रहती है यानी कि डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है, इसके चलते तेजी बन सकती है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि धनिया की जो पाइपलाइन है वो खाली है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कम बताया जा रहे हैं, इस बार धनिया की बुआई भी थोड़ी कम ही देखने को मिली है और जो एक्सपोर्ट डिमांड है
वो बीच में थोड़ी रुक गई थी, जिसकी वजह से हमने धनिया की कीमतों को थोड़ा नीचे जाते हुए देखा था, लेकिन फिर हमने धनिए को फिर से उठते हुए देखा है। एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो रही है क्योंकि मंडियों में शॉर्टेज देखने को मिली है, जिसकी वजह से जैसे रूपा जी ने बताया कि आगे जाके भी धनिए में और तेजी बनती नजर आ सकती है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर जीरे की, यहीं से बात करें अगर जीरे की, तो हम जीरा देख रहे हैं कि 16,645 पर है, 16,745 का हाई लगा चुका है। जीरे में भी देख रहे हैं कि जो 16,000 पर ट्रेड करता नजर आ रहा था, जीरे में भी एक अच्छा उछाल अब देखने को मिल चुका है। आपको बता दें कि मंडियों में जीरा का जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है जीरे के माल की, ठीक ठाक है, लेकिन अब जो धीरे धीरे एक्सपोर्ट डिमांड है, जो निर्यात मांग है, वो थोड़ी पिकअप होना शुरू हो गई है। जैसे कि हम मार्केट एम सीवी के माध्यम से आप सबको पहले भी बता चुके हैं कि जनवरी के शुरुआत में, दिसंबर का अंत और जनवरी की शुरुआत की बात कही थी कि तब धीरे धीरे मसालों में हल्की बढ़त देखने को मिल जाएगी, खास करके जीरे में, जीरे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो पिकअप होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमने देखा भी है कि जीरे की कीमतों में अचानक से अच्छा उछाल देखने को मिला है। जो जीरा 16,000 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा था, वही जीरा 16,600 16,700 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। रूपा जी, जीरे में देख रहे हैं कि जीरे में भी बढ़त देखने को मिली है, लगभग 600-700 पॉइंट की तेजी जीरे में भी बनती नजर आई है। आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से जीरे में तेजी बनी है, तो क्या ये आगे 17,000 के भी पार जाता नजर आ पाएगा? देखिए बिल्कुल, जीरे में अभी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, ना केवल जीरा बल्कि आप देखिए हल्दी में भी लगातार तेजी आते हुए दिखाई दे रही है। 2022 में मसालों में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि अभी ये तेजी में रह सकता है। और जीरे की जहां तक बात है, 17,000 के अगर ऊपर निकलता है जीरा, तो आप एक लंबी तेजी में इसको फिर जाते हुए देखेंगे, और मुझे लगता है कि वहां से जीरा वापिस से एक अच्छा खासा बाउंस लेकर 18,000 से 18,500 के स्तर भी दिखा सकता है। तो फिलहाल जीरे में जो ये तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, 17,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 18,000 तक के स्तर संभव है देखने को मिल सकते हैं। और आज इंट्राडे में भी लग रहा है कि एक बार जीरा अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड कर करंट लेवल से 200 से 300 रुपए की तेजी आज इंट्राडे में भी देखने को मिल सकती है। यानी अगर देखा जाए तो जीरा इंट्राडे में भी 16,800 से लेकर ऊपर में 17,000 तक का स्तर आज इंट्राडे में छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में कल को हमने काफी अच्छी तेजी आती देखी थी, हल्दी में लगभग 5-5% का ओपी सर्किट भी देखने को मिला था। आपको क्या लग रहा है, क्या हल्दी के फंडामेंटल्स वाकई इतने मजबूत हैं जो हल्दी को इतनी तेजी की ओर लेके जा रहे हैं? क्या हल्दी की भी एक्चुअल में एक्सपोर्ट डिमांड इतनी देखने को मिल रही है? देखिए डिमांड निकल रही है, इसी वजह से प्राइसेस के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हल्दी ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया और 10,000 के ऊपर हल्दी निकल चुकी है। एक अच्छी रैली जो लगातार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मसालों के अंदर देखने को मिल सकती है, एक डिमांड पिकअप हो सकती है, वो होती हुई दिखाई दे रही है। और अब यहां से हल्दी की जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, नीचे में 9,000 तो ऊपर में 10,500 से लेकर 11,000 के स्तर भी संभव है कि देखने को मिल सकते हैं। जी, ये सर रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में हमने कल को थोड़ी बढ़त बनते हुए देखी थी, 10,900 के ऊपर ग्वार गम था, 6100 के ऊपर ग्वार सीड था। आज देख रहे हैं कि ग्वार सीड 6,000 पर है और ग्वार गम 10,800 के लेवल्स पर। आपको क्या लग रहा है, आज जिस हिसाब से एक कल के मुकाबले थोड़े कम लेवल्स पर जो बाजार खुला है ग्वार का, क्या ये आज तेजी की ओर एक बार फिर से जाता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए एक्सपेक्टेड तो है कि ग्वार में तेजी बन सकती है, और यहाँ से जो देखिए अभी जो सस्टेनेबिलिटी आ रही है मार्केट में, और अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो बाजार काफी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है 10,000 के स्तरों पर। तो यहाँ से जो तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है वो आप मान के चलिए कि 11,000-11,500 तक की तेजी बन सकती है। और वहीं अगर सीट की बात करें तो 6,500 से लेकर 7,000 का स्तर सीट में भी एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। जी, ये सर रूपा जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि लगातार 6,200 के ऊपर सस्टेन होकर चल रही है। हमने सोयाबीन में गिरावट भी आते हुए देखी है, 6,800 तक लेवल्स भी आते हुए देखे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से सोयाबीन 6,200 पर सस्टेन हो रखी है, ज़्यादा मंदी तेजी देखने को नहीं मिली है, यहीं पर स्टक हो गई है। आपको क्या लगता है सोयाबीन में आगे कैसा रुझान रह सकता है? देखिए खाद्य तेलों में अगर देखा जाए तो अखिलेश आगे चल के रुझान जो है वो मंदी का दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और सोयाबीन के अंदर अगर स्पेशली बात करें तो जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो नीचे में ब्रॉड रेंज की बात करें तो 5,800 तक है डाउनसाइड, और ऊपर में 6,500,
तो फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है और अब यहाँ से बाजार सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इसी रेंज में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। 6000 से लेकर 6200 मैक्सिमम तेजी अगर मार्केट में आए तो 6500 तक सोयाबीन जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल के लिए इससे ज्यादा फिलहाल तेजी नहीं है और नीचे में 6000 से लेकर 5800 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ये सर जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है। सब जानना चाह रहे हैं कि सरसों में आगे कैसा रुझान रहेगा, क्योंकि रूपा जी हम देख रहे हैं कि मंडियों में सरसों की अवेलेबिलिटी जो उपलब्धता है वो इतनी देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि अब लगभग देश का जितना भी सरसों का स्टॉक था वो पूरा खप चुका है। और अभी जो फसल है नई वो मार्च 2022 तक आएगी, मंडियों में जो अराइवल्स देखने को मिलेंगी, जो आवकें रहेंगी वो मार्च तक आएंगी। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, अभी जो सरसों का बाजार उछला है और आने वाले समय में जो अचानक से एकदम से उछाल आने वाला है आवकों में, उसके चलते सरसों की कीमतें क्या रह सकती हैं? देखिए, जो अभी स्टॉक कम की खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन आप देखिए मार्च में जैसे ही अराइवल प्रेशर आएगा तो कीमतें जो है दबाव में आ सकती है अगर अराइवल बढ़ते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि इस बार अराइवल अच्छे खासे होंगे। अभी जो एक महीने का समय बचा है, 1 से 1.5 महीने का, इसमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, और उस बाउंस बैक के अंदर मेरे हिसाब से जिनके पास भी फिजिकल में माल रखा है या वायदा तो है नहीं, लेकिन फिजिकल में जिनके पास माल रखा है उसको लिक्विडेट करने की ही रणनीति होनी चाहिए। इन लेवल्स के ऊपर फ्रेश बाइंग काफी रिस्की हो सकती है, क्योंकि छुटमुट तेजी की हम उम्मीद कर रहे हैं कि देखने को मिल सकती है, वो भी मंडियों में, क्योंकि अभी फिलहाल माल की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसके चलते अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो एडिबल ऑयल में फिलहाल तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी ये जरूर जी, बात करें अगर अब कॉटन की, तो कॉटन के ऊपर हमारे पास काफी दर्शक जुड़े हुए हैं जो लगातार कॉटन पर ही सवाल कर रहे हैं। सब जानना चाह रहे हैं कि कॉटन में अभी और कितनी तेजी बनती नजर आ सकती है। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि हाल ही में चाहे वायदा हो चाहे हाजिर हो, कॉटन की जो कीमतें हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। प्रोडक्शन भी, जो क्रॉप डैमेज है वो भी काफ़ी देखने को मिला है, और डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। ऐसे में आपको क्या लगता है कॉटन की कीमतें आगे क्या रह सकती हैं? देखिए, अभी कॉटन की कीमतों में तेजी का रुझान बन रहा है और ये अभी तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है। हम लगातार देख रहे हैं कि वायदा हो चाहे हाजिर हो, समय तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकती है। अभी 15 से 20 दिन और मार्केट में अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है, और इसके चलते एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35,000 के ऊपर कॉटन सस्टेन कर सकती है वायदा के अंदर, तो वही डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेक्टेड 1800 से लेकर 10,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, बात करेंगे चने की, तो चने के ऊपर भी हमारे पास काफी दर्शक जुड़े हुए हैं जो चने के बारे में जानना चाह रहे हैं कि चना अभी रोके या बेच दें, चने में अभी क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चलना सही रहेगा और आगे कीमतें क्या रह सकती हैं? देखिए, दालों की बात करें तो क्लेश दालों में थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है, और चने में स्पेशली जब तक वायदा लॉन्च नहीं होता तब तक बाजारों में कोई बहुत ज्यादा फिलहाल मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, और मेरे हिसाब से अगर रखा हुआ है तो उसे निकालने की ही रणनीति होनी चाहिए। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप आज के कारोबारी सत्र के लिए, इंट्राडे के लिए, एग्री कमोडिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? ठीक है, एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मसाले ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मसालों के अंदर बाइंग किया जा सकता है। मसालों के साथ साथ बिनोला खल अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे, जो भी डिप आया उसमें भी बाइंग जो है वो किया जा सकता है। सिकली 3080 का स्टॉप लॉस डाल के इसको भी एक छोटा सा बाय लेकर चल सकते हैं, और एज यूजुअल ग्वार में भी मुझे यहाँ से तेजी आते हुए दिखाई दे रही है, तो ग्वार के अंदर भी बाइंग करके चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे रूपा जी द्वारा आज के लिए टॉपिक्स जिनके अंदर आज आप इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप इंजॉय करें क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।